नमस्कार, मैं हूं शाहीन। वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया ने मानसा को इस साल की विजेता अनाउंस किया है और सेकंड रनर अप के लिए मनिका शिवकांत को चुना गया है। लेकिन वही फर्स्ट रनर अप के रूप में मान्या सिंह का नाम सामने आया है। वैसे तो यहां तक पहुंचे सभी विजेताओं ने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अगर मान्या सिंह की बात करें तो उनकी कहानी तो कुछ और ही है। आइए दिखाते हैं मान्या सिंह की, उनके स्ट्रगल की कहानी। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने वाले ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके परिवार वाले आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे होते हैं। मिस इंडिया की फर्स्ट रनर अप मान्या ओम प्रकाश सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो बहुत सी दिक्कतों और आर्थिक दिक्कतों का सामना करते हुए वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया 2020 बन गई हैं। दरअसल मान्या सिंह के पिता एक ऑटो रिक्शा चालक हैं, जिसकी वजह से मान्या को अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। उनकी जिंदगी में बहुत से ऐसे वक्त भी आए जब उन्हें पूरी रात बिना खाए और नींद के मीलों चलना पड़ता था। उनकी इस बेमिसाल जीत के बाद जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने मान्या सिंह से बात की तो अपनी जिंदगी के स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए मान्या ने बताया, मेरा खून पसीना और आंसू मेरी आत्मा के लिए खाना बने और मैंने सपने देखने की हिम्मत जुटाई। मैंने कम उम्र में ही नौकरी करना शुरू कर दिया था। जो भी कपड़े मेरे पास थे दूसरों के दिए हुए थे। मुझे किताबें चाहिए थी लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं थी। मान्या ने आगे ये भी बताया कि बाद में मेरे माँ बाप ने जो भी जेवर हमारे पास थे उन्हें बेचकर मुझे पढ़ाया। उत्तर प्रदेश में एक महिला होना आसान नहीं होता और मेरी माँ ने शारीरिक और मानसिक दोनों ही तौर पर बहुत कुछ सहा है। उत्तर प्रदेश वैसे भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के लिए बदनाम एक पितृसत्तात्मक राज्य है। स्पेशल डेस्क, आईबीएन भारत। मान्या सिंह की कामयाबी ये साफ दर्शाती है कि जिंदगी की दिक्कतें हमारे मंजिल की तरफ सीढ़ियों का काम करती हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।